हाय, दिस इज शमीम फ्रॉम आईआरएक्स लाइव और मैं हूँ आशना। आज हम बात करेंगे स्मार्ट सिटीज के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे के अंदर स्मार्ट सिटीज का इनॉग्रेशन किया और हम जानेंगे लोगों से कि आखिर स्मार्ट सिटी क्या है कॉन्सेप्ट, और जानते हैं उन लोगों से कि उन्हें कितना पता है स्मार्ट सिटी के बारे में। आइए चलते हैं। नहीं पता आपको स्मार्ट सिटी मतलब? डिजिटल पेमेंट। स्मार्ट सिटी क्या है? अच्छा, आप समझ 2015 में मोदी जी ने एक स्कीम लाई थी स्मार्ट सिटी की, तो आप क्या समझते हैं स्मार्ट सिटी कंसेप्ट के बारे में? अकॉर्डिंग टू मी, आजकल लाइक हम कहीं भी खड़े होते हैं और हमें नहीं पता होता है कि हमें कहीं जाना है, और ऑटो वाले हमसे कुछ भी चार्ज करते हैं। तो हमें एटलीस्ट, हमारे पास एक ऐसा ऐप है जुगनू, जिसे हमें एटलीस्ट इतना पता होता है कि हमें कहीं भी जाने के लिए कितना पे करना है। मेरे ख्याल से ये आजकल सबसे अच्छी सर्विस हमें मिल रही है। स्मार्ट सिटी वो है किसी भी चीज़ शहर का, जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे पहले बहुत सारी जहाँ फैसिलिटी नहीं है, अब होले होले करके आहिस्ता आहिस्ता वहाँ फैसिलिटी बढ़ रही है, तो वो पर डे मतलब स्मार्ट हो रहा है, डे बाई डे जहाँ इम्प्रूवमेंट आ रहा है वो चीज़ स्मार्ट हो रही है। आपको पता है इंडिया में कितनी स्मार्ट सिटी बनने जा रही है? हाँ, मेरे को पता है, नियर अबाउट 100 मेरे ख्याल से 100 स्मार्ट सिटी है जो कि अभी आ चुकी हैं स्मार्ट सिटी बनने के लिए, और आगे अगर मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनकी अगर सरकार रही तो आगे मे बी और मतलब बहुत ज़्यादा इंडिया डेवलप हो जाएगा। वो शहर मुझे बता सकते हैं जो स्मार्ट सिटी बनने जा रहे हैं? बिल्कुल बताएंगे सर आपको वो शहर। पहली चीज़ तो मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो एक तो हमारा अलीगढ़ है, और दूसरी चीज़ अलीगढ़ हो गया, बनारस हो गया, और आपका गाज़ियाबाद है, और आपका बुलंदशहर हो गया, और आपका ये बनारस हो गया, इलाहाबाद हो गया, तो ये सारे स्मार्ट सिटी बन रहे हैं। आई थिंक किसी भी चीज़ को लाइक हमारी पूरी सिटी को डिजिटल बनाना, कोई भी चीज़ ईजीली अवेलेबल हो हर बंदे के लिए, एंड ऑब्वियसली इट विल सेव टाइम, सो आई थिंक दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी। सर मेरे हिसाब से स्मार्ट सिटी है जहाँ बेटर रोड्स, पीपल जो पीपल हु वॉन्ट सर्विसेज बेटर हों, ट्रैफिक कंजेशन, लाइक दिस इज़ नॉट अ पार्किंग। आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे में पार्किंग है, ये होटल है, होटल के सामने पार्किंग है, दिस इज़ नॉट स्मार्ट सिटी। सबसे पहले जो कंजेशन है दिल्ली का, ये ख़त्म होना चाहिए मेरे हिसाब से। जो मतलब दिल्ली के अंदर आप कभी भी निकलते हैं तो आपको सिर्फ कूड़ा और गार्बेज के अलावा आपको कुछ नहीं मिलता है। आप जब आप पहले आप बेसिक नेसेसिटीज पूरी करेंगे उसके बाद ही आप स्मार्ट सिटी के लिए जा सकते हैं। स्मार्ट सिटी जहाँ सफाई हो और उसमें बस उसका प्रयोग होता है, ATM वगैरह का। अच्छा, स्मार्ट सिटी हमारे देश में कितनी स्मार्ट सिटीज बनने जा रही है? काफ़ी हैं यहाँ तो। स्मार्ट सिटी अगर ये बन जाए और जिस जिस शहरों में जो है कि पहले स्टार्ट होना है, अगर ये होता है तो सबसे पहली बात है कि इससे जनता को सबसे बेनिफिट मिलेगा, उनको साफ सफाई जैसे जगहों में रहने को मिलेगा। नो डाउट जनता का अगर सफाई में रहेगी तो उसको जो है कि थोड़ा सा चार्जेज भी ज़्यादा पड़ जाएंगे, सारी चीज़ें सुविधाएँ उनको मिलने लगेगी। अब देखिए चेंजेज ये हो गया कि शहर में जो है कि सबसे पहली बात है कि सीवेज हुआ, ड्रेनेज हुआ, रोड हुआ, इलेक्ट्रिक हुई, ये सारी चीज़ें जो है कि जनता को प्रचुर मात्रा में मिलेगी। अगर ये मिलती है तो वहाँ की शिक्षा बढ़ेगी, लाइट आएगी, बच्चों की पढ़ाई होगी। आपको क्या लगता है किस तरीके के बदलाव होने चाहिए स्मार्ट सिटी? हो जाओ कुछ ना कुछ तो।